हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में मैं यूपीपीएससी 8 2013 का जो 2019 में रिजल्ट आया है उसमें जो मैंने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस एग्ज़ाम में 9th रैंक स्कोर की थी। यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जो कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013 का रिजल्ट आया था उसका ये पेज है। इसमें मैंने 9th रैंक स्कोर की थी, यहाँ पे मेरा नाम मेंशनड है और मेरे को असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अलोकेट हुआ था क्योंकि ये मेरी पहली प्रेफरेंस थी। और इसमें जो मैंने मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 850 मेरे मार्क्स थे 604। अभी मैं मार्कशीट भी दिखाऊंगा आपको जिसमें सब्जेक्ट्स वाइज मैंने मार्क्स लिख रखे हैं। और जो फर्स्ट बंदा था जिसकी फर्स्ट रैंक थी उसके मार्क्स थे 616 और जो फिफ्थ रैंक था उसकी मार्क्स थे 609। सो जो फर्स्ट रैंक और मेरी रैंक के बीच में डिफरेंस था वो 12 मार्क्स का डिफरेंस था। अब मैं अपनी मार्कशीट में जो दिखाता हूँ जो मैंने मार्क्स स्कोर किए थे, ये मेरी मार्कशीट है जो यूपीपीएससी ने इशू की है। इसमें मेरा नाम मेंशन है और इसमें जो 2013 में पेपर पैटर्न था उसमें पहला पेपर जो था पेपर वन हिंदी ऑब्जेक्टिव का था जो 50 मार्क्स का हुआ था जिसमें मैंने 29 मार्क्स गेन किए हैं। और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था जो ऑब्जेक्टिव पेपर था पेपर टू उसमें मैंने 100 में से 40 मार्क्स गेन किए थे। इन दोनों में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता है जो मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद जो पेपर वन और पेपर टू है जो ऑब्जेक्टिव सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था 100 मार्क्स का, उसमें मैंने पहले पेपर में 81 मार्क्स स्कोर किए थे और जो दूसरा पेपर था उसमें मैंने 79 मार्क्स स्कोर किए थे। तो टोटल जो मेरे पेपर वन और टू में ऑब्जेक्टिव में मार्क्स थे वो 160 आउट ऑफ 200 थे। उसके बाद जो 2013 में पैटर्न था उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, कन्वेंशनल टाइप पेपर्स थे पेपर वन एंड पेपर टू जैसे ईएससी में होते हैं। उसमें जो पहला पेपर था उसमें 200 में से मेरे 190 मार्क्स थे और जो मेरा सेकेंड पेपर था उसमें 118 मार्क्स थे। इट मीन्स जो हमारा 400 में से मेरे मार्क्स थे वो थे 308 आउट ऑफ 400। सो आप इन सबको सम अप करोगे तो टोटल रिटर्न में मेरे 750 में से 537 मार्क्स थे और जो पर्सनालिटी इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे 67 मार्क्स थे। और सो टोटल जो मार्क्स था मेरा 850 में 604 था। यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेपर वन एंड पेपर टू हुआ था जिसमें जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज पूछी गई थी इसमें मेरे मार्क्स जो थे मैंने इस पे फोकस नहीं किया था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं बताना चाहता हूं इस इन मार्क्स के थ्रू कि जो 2019 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये सब्जेक्टिव पेपर्स नहीं होने हैं। सो जो मेन फोकस रहेगा वो इन सब्जेक्ट्स पे रहेगा, पेपर वन पेपर टू ही होंगे उसमें और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इसमें जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज का भी पोर्शन रहेगा जिसके बारे में जो वेटेज रहेगा वो फर्दर डिटेल में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ डिस्कस करूंगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे भी आपको पैरेलली अपने टेक्निकल के साथ फोकस करना है सो दैट आप इस कॉम्पिटिशन में बने रहें, अदरवाइज इट विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस एग्जामिनेशन जो कि 2019 के नोटिफिकेशन में अभी इसकी डेट भी आ गई है 7th जून 2020 को एग्जाम होना है ये। सो आप केयरफुली फोकस्ड रहें और अपने टेक्निकल के साथ जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज का जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग उस पर फोकस करें। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर प्रॉपर स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जो मैंने फॉलो की थी और जो मेरी कमियां रह गई उनके बारे में भी बताऊंगा आपको सो दैट आपको अपकमिंग एग्जाम में वो हेल्पफुल हो और आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। थैंक यू।